हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिशियन व्लॉग में। तो मैं आज आपके सामने में अपनी परफॉर्मेंस जिसे शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल टाइम पास के लिए या पैसे कमाने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो मेरे जैसे जो यंगस्टर फार्मर है, जो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने ये फॉर्म स्टार्ट किया था तो मुझे बताने वाले कोई नहीं थे। तो मैं जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन है, जैसे एज के फार्मर है, तो मैं उन फार्मर से मेरा नॉलेज और शेयर करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। लेट स्टार्टअप, हम पहले फर्स्ट जीसी के साथ अब शुरू करते हैं। तो मैं ये जीसी मैं अपने स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, तो आप देख लेना। वो मैं अभी नंबर वन शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो हैच डेट 11/1/2022 को ये हैच आई थी मेरे फोन पे। तो चिक्स हाउस न्यूज 3755 आए थे। तो मोर्टेलिटी न्यूज हो गए थे 308 और मोर्टेलिटी परसेंटेज 8.20 हो गई थी। तो बर्ड्स लिपिड न्यूज हो गए थे हमारे 3447। तो बर्ड्स तो वेट आया था हमारे बर्ड्स का 10 टन 107 kg। और ये लॉट मेरा गया था, एक रेट में मेरा ये लॉट गया था। तो उस टाइम पे मेरे एवरेज वेट आया था 2932, मेरा एवरेज वेट आया था। तो उस टाइम पे मेरा FCR था 1.63। बर्ड्स का मीन एज था 42। प्रॉफिट के जी 11.23 से हुआ था। ट्रेडिंग चार्जेस 70,750 रुपये। परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट मुझे 28,552 रुपये दे गए थे। और रेटिंग इंस्टीट्यूट मिला था तब मुझे 14,775 रुपये। तो मेरा नेट ग्रूमिंग चार्जेस हुआ था 1,13,480 रुपये। तो अभी मैं जिसी नंबर टू शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये हैच डेट थी 5/7/2022 की। तो चिक्स हाउस नोज आए थे मेरे फॉर्म पे 3831। तो तब मोर्टेलिटी नोज हो गए थे 217, मोर्टेलिटी परसेंटेज 5.6। और बर्ड्स लिफ्टेड नोज हो गए थे 3614। तो बर्ड्स तब बर्ड्स का वेट आया था, टोटल वेट आया था 7 टन 760 kg। तो ये लॉट ग्रेड गया था, ए ग्रेड में गया था ये लॉट। तब एवरेज वेट आया था 2147। तब FCR आया था 1.69 का। मीन एज था 39 दिन में लिफ्ट हो गए थे पूरा काम। तो मुझे प्रॉफिट 9.16 से मेरा पेमेंट हुआ था। तो रेयरिंग चार्ज मिला था मेरे को 54,320 और परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट मिला था 5,121 और समर इंस्टीट्यूट मिला था मेरे को 11,640। तो मेरा नेट ग्रूमिंग चार्जेस तब बना था 71,081 रुपये। तो जीसी नंबर थ्री शेयर कर रहा हूँ। हैच डेट थी 29/9/2022। तो चिक्स हाउस न्यूज आए थे मेरे फॉर्म पे 3832। तो मोर्टेलिटी होती हुई थी तब 201, मोर्टेलिटी परसेंटेज हो गया था 5.25 का। तो बर्ड्स लिफ्टेड हो गए थे 3631 और बर्ड्स वेट गया था तब 10 टन 374 kg। तब ये लॉट ग्रेड गया था ए ग्रेड में। तो एवरेज वेट आया था तब 2857। तो FCR आया था 1.56 का। तो मीन एज अपना था 40 दिन में अपना लॉट पूरा क्लोज हो गया था। तो प्रॉफिट कीजिए 12.82 से हो गया था। तो रेयरिंग चार्ज मिले थे मुझे 72,621 रुपये और परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट मिला था 60,421 रुपये। तो नेट ग्रूविंग चार्जेस हो गए थे 1,33,042 रुपये। जिसे नंबर फोर शेयर करो। तो हैज डेट थी 3/12/2022। तो चिक्स हाउस नोज आए थे 3840। तो मोर्टेलिटी नोज हो गए थे तब 431 और मोर्टेलिटी परसेंटेज हो गए थे 11.22 परसेंट मोर्टेलिटी हो गई थी। तो बर्ड्स लिपिड नोज हो गए थे 3309 और बर्ड्स वेट आया था 9 टन 235 kg। तो ये लॉट ग्रेड गया था ए में और एवरेज वेट आया था 2709। तो FCR आया था तब 1.57 का FCR आया था और मीन एज था मेरा 39 का
39 दिन में हमारा फॉर्म लिफ्ट हो गया था उसका, तो प्रॉफिट केजी 78 पैसे मुझे प्रॉफिट केजी हो गया था, दिया था कंपनी ने मुझे। तो रेलिंग चार्ज मिले थे 67,880 रुपये और परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट मिला था 30,338 रुपये और रेड इंस्टीट्यूट मिला था 1,371 रुपये। तो मेरा नेट ग्रूमिंग चार्जेस हो गया था 99,590 रुपये। जीसी नंबर 5 ये लास्ट जीसी है मेरी, ये पिछली बैच की जीसी है। तो हैज डेट थी 8/2/2023। तो चिक्स हाउस नोज हो गए थे 3893। तो मोर्टेलिटी नोज हो गए थे 126 और मोर्टेलिटी परसेंटेज हो गए थे 3.24। तो बर्ड्स लिफ्टेड हो गए थे हमारे 3767 और बर्ड्स वेट आया था 9 टन 824 केजी और ये लॉट ग्रेड गया था मेरा ए में और एवरेज वेट आया था हमारा 2608। तो एफसीआर था हमारा 1.54 का एफसीआर आया था और मीन एज था 39 दिन में हमारा लॉट पूरा लिफ्ट हो गया था। तो मुझे प्रॉफिट केजी में हुआ था 11.41 में मेरा प्रॉफिट केजी था। तो रेयरिंग चार्जेस मिले थे मेरे को 72,206 रुपये और परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट मिला था 39,836 रुपये। तो मेरा नेट ग्रूविंग चार्जेस हो गए थे 1,12,042 रुपये, ये वो मेरा नेट ग्रूविंग चार्जेस हो गए थे। तो मैंने अभी आपके सामने सारे जीसी शेयर किए। मैं आपको लास्ट में ये बोलूँगा कि परफॉर्मेंस आप पोल्ट्री में आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, इस पर डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस। तो आप स्टार्टिंग से आप क्लीनिंग कैसे करते हो या ब्रूडिंग एरिया कैसे रखते हो, या इस पर डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस। आपके फॉर्म पे कोई डिसीज आ गया तो आप क्या स्टेटमेंट करते हो और उस फॉर्म को आप कैसे ग्रो करते हो, इस पर डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस। पोल्ट्री फार्मिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये लिव बिजनेस है, इसमें तो ग्रो अप तो चलता रहता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।